सैपो अस्पताल की बदहाल चिकित्सा व्यवस्थाएं सुनने वाला कोई नहीं। चिकित्सकों के 12 स्वीकृत पद, रोजाना 500 की ओपीडी एक डॉक्टर के भरोसे। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी पर चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते व्यवस्थाएं बदहाल बनी हुई हैं। यहां 50 बेड का राजकीय अस्पताल बिना डॉक्टर के कंपाउंडरों के भरोसे संचालित हो रहा है। क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आमजन काफी परेशान है। खल रही चिकित्सकों की कमी को लेकर वर्षों से की जा रही मांग के बावजूद भी यहां समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। सीएचसी स्तर के अस्पताल में करीब 12 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां सरकार और चिकित्सा विभाग की उदासीनता के चलते महज एक डॉक्टर तैनात है। ऐसे में अस्पताल में सरकारी कामकाज के भार के साथ प्रतिदिन करीब 500 मरीज की ओपीडी के भार को लेकर व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। प्रभारी डॉक्टर शोभित शर्मा ने बताया कि दूसरे डॉक्टर बीमारी के चलते छुट्टी पर रहने के कारण अस्पताल की व्यवस्थाओं का सारा भार अब उनके ऊपर है। वर्तमान समय में महज एक डॉक्टर होने के चलते अस्पताल में ओपीडी समय के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की ओर से इवनिंग और नाइट ड्यूटी डॉक्टर की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीज उपचार के लिए भटकते हुए देखे जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते लंबे समय से चिकित्सकों की कमी खल रही है। आज की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि यहां ओपीडी समय के बाद मरीज को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, जो कि लोगों के लिए बड़ी विडंबना बनी हुई है। यहां लोगों का आरोप है कि उनके द्वारा कई बार जिला कलेक्टर, प्रभारी, जिला सचिव व कई मंत्रियों तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कई बार बिगड़ रही चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मांग की जा चुकी है, लेकिन सरकार की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था डॉक्टर नहीं होने से पूरी तरह से बदहाल बनी हुई है, जिससे लोगों में सरकार की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मायूसी बनी हुई है। साथ ही लोगों में समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते आक्रोश भी बना हुआ है। एक दिन में 500 की ओपीडी है, 100 से 150 की आईपीडी है, एमएलसी, पोस्टमार्टम, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, इंचार्ज से संबंधित सारे काम, तो एक चिकित्सक के बस की बात तो ये है नहीं। फिर भी मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। 2-3 महीने से तो पहले से भी नहीं थे चिकित्सक, 2-3 महीने से डेपुटेशन दस्त होने के कारण मात्र 2 चिकित्सक रह गए हैं। उनमें से भी एक चिकित्सक हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, जिसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को पहले भी अवगत करा चुके हैं। यहाँ पर मात्र मैं ही अब एकमात्र चिकित्सक हूँ जिसके कंधों पर सारा भार आ गया है और काफी मुश्किल आ रही है। हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को लेकर बताएं क्या मांगे। देखिए, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपो पर ओपीडी के मरीजों की संख्या लगभग 400 और 500 के बीच में रोजाना रहती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ केवल मात्र एक चिकित्सक ही अपना कार्य अंजाम दे रहे हैं, जिससे भारी परेशानी का आम मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वो एक चिकित्सक अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लोगों के देखने का कार्य कर रहे हैं, फिर भी इतने मरीजों के होने के बावजूद भी यहाँ केवल एक डॉक्टर का होना बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। और यहाँ कम से कम 10 या 12 पद स्वीकृत बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर यहाँ मौजूदा में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे जो चिकित्सक हैं वो यहाँ बीमारी के कारण छुट्टी पर गए हुए हैं। मेरा माननीय जिला कलेक्टर महोदय से, माननीय CMHO साहब से निवेदन है कि यहाँ कम से कम 3 डॉक्टर यहाँ और लगावें, जिससे कि ड्यूटी टाइम के बाद में, 2 बजे के बाद में किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल केस आता है, अन्यथा कोई इमरजेंसी आती है, और नाइट में कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था हो सके। तो समरवीर सिंह फिर बने जिला अस्पताल धौलपुर के PMO। गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार संभालने पहुंचे अस्पताल, स्वागत करने वालों की लगी भीड़। डॉक्टर समरवीर सिंह शुक्रवार को एक बार फिर से जिला अस्पताल धौलपुर का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। इसे लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव प्रीति माथुर की ओर से 18 जुलाई 2024 को देर शाम को आदेश जारी किया गया, जिसके बाद आज शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे डॉक्टर समरवीर सिंह समर्थकों की गाड़ियों के काफिले के साथ जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ एवं उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में फूल माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया, साथ ही मिठाई खिलाकर खुशी जताई। आपको बता दें कि डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार पूर्व में भी 13 जुलाई 2019 से 15 मार्च 2024 तक जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रहे थे, लेकिन चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनका फोटो वायरल होने के बाद उन्हें जिला कलेक्टर की ओर से निलंबित कर दिया गया था, जिनका मुख्यालय जयपुर किया गया था। इसके बाद
बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह को जिला अस्पताल धौलपुर का नया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाया गया था। वहीं गत दिनों डॉक्टर समरवीर सिंह को बहाल कर दिया गया और उसके बाद गुरुवार देर शाम को चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव प्रीति माथुर ने आदेश जारी कर उन्हें बहाल कर दिया तथा जिला अस्पताल धौलपुर में पीएमओ के पद पर तैनाती दी, जिस पर शुक्रवार को नए पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने अपनी पत्नी डॉक्टर श्वेता सिकरवार के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर पदभार संभाला। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया और पदभार संभलवाया। इसके बाद पीएमओ सिकरवार बाड़ी रोड पर बने नए जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां भी उनका स्वागत किया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला चिकित्सालय चूँकि एक नए रूप में यहाँ पे संचालित हो रहा है और कुछ विघटन भी इसमें है, कुछ पुराने में है, कुछ नए में है। आप सभी लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, नागरिक के सहयोग से, राज्य नेताओं के सहयोग से, जिला प्रशासन के इस विशेष सहयोग से जिला चिकित्सालय को उच्चतम स्तर पर लाया जाएगा। सारी व्यवस्था मैं निवेदन करूँगा राज्य सरकार से भी, कैथ लैब जैसी सुविधाएँ, सुपर स्पेशलिटी सुविधाएँ यहाँ के लोगों को मिलें और वास्तव में जो जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, उसकी सुविधा यहाँ पे मिले। मैं भरसक इसके प्रयत्न करूँगा और पूर्ण प्रयास करूँगा। आपने जिन राजनीतिक हालात में सरकार ने आपको पिछली बार जिम्मेदारी दी है, मतलब देखा जाए तो एक बड़ा चर्चा का विषय था, कांग्रेस साथियों भी आपकी बात से इन राजनीतिक हालातों द्वारा क्यों बन गया है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा पास है, तो ये गणित कैसे आए इसको थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय गजेंद्र सिंह जी खींसर साहब, मंत्री जी गिरिराज सिंह मलिंगा जी, सभी लोग, आप सभी लोग, सभी की भावनाएं ऐसी थी, सभी लोगों ने काम को ज़्यादा तरजीह दी। काम सर्वोपरि है, जनता का, सभी मरीजों के बीच में रहना, उनका काम करना, उनके साथ रहना और दिन ब दिन 24/7 गरीबों के लिए, मरीजों के लिए काम करना, यही ध्येय था। लोगों ने इसको पहचाना। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ राज्य सरकार का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। पूर्ण कोशिश करूँगा 24/7 इसमें खरा उतरूँ। ये आपकी बात सही है, कांटों भरा ताज है लेकिन कांटों के साथ ही फूल भी खिला करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसा मेरा पिछला कार्यकाल रहा, सारे समाज को लेकर, प्रशासन को लेकर, विशेष रूप से राजनीतिक पार्टियाँ जो है उनको लेकर कोशिश करें कि जिला जो धौलपुर की जनता उद्वेलित है, आंदोलित है, जिस बात के लिए राज्य सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा, बहुत शीघ्र ही आपको शुभ सूचना मिलेगी, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ट्रैक पर आएंगी। तो विगत 3 माह से जो भी स्थिति रही है, क्या रहा है, सारे हम देखेंगे, सारी स्थिति ठीक करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। दोपुरा मामले में ग्रामीणों ने एसपी को दिया ज्ञापन, पुलिस पर लगाया मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप। गत 16 जुलाई को 2024 को बसेड़ी इलाके के दोपुरा गांव में पुलिस के साथ हुई मारपीट मामले में आज शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सुमित मेहराड़ा को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जूली पत्नी रैन किशोर गोस्वामी निवासी दोपुरा बसेड़ी की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 16 जुलाई 2024 को शाम करीब 3:30 बजे बसेड़ी थाने से हेड कांस्टेबल और उसके 3 अन्य साथी पुलिसकर्मी जांच करने के बहाने घर में आए, जिन्होंने जूली के साथ मारपीट की। जब पति बचाने आया था तो उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। करीब 20 मिनट बाद बसेड़ी थाना प्रभारी और लगभग 20 पुलिसकर्मी घर पर आए, जिन्होंने घर के बाहर खड़े महावीर की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। इसके अलावा घर में रखी मोटरसाइकिल, कूलर, फ्रिज, सोफा, 3 पंखा, बर्तन, चूल्हा आदि को तोड़ दिया तथा घर में लूटपाट करते हुए उत्पात मचाया। पुलिस की पिटाई से 6 वर्ष की बच्ची एवं अन्य परिजनों को भी चोटें आई हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने शरीर में आई चोटों के निशान भी दिखाए। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिसकर्मी मुकेश के सिर में पत्थर पर गिरने से चोट आई है। वहीं पुलिस पर घर से नकदी और जेवरात लूटने का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरा नाम जूली है, मैं दोपरा से आई हूँ। 16 तारीख को करीब 3:30 बजे के टाइम पे पुलिस वाले आके मेरे घर में घुस गए, मेरी बुरी तरह से मारपीट की है। उन्होंने इतनी बेरहमी से मेरे हाथ पैर में दिए,
और घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चों को गोदी में से हटा दिया, लड़की को बगल से फेंक दिया, मेरे को इतना बुरी तरह से मारपीट की है, हम लोगों के साथ सारा सामान तहस नहस कर दिया। और फिर हमारे जिठानी जी आ गए, उनको भी मारपीट की, मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर जिठानी जी आ गए, उनको भी मारा, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा, जेठ जी को मारा, और गले की चैन और कानों के कुंडल और हमारी जिठानी के गले का मंगलसूत तो कानों के टॉक्स और 1,00,000 रुपए कैश लगे थे, उन्हें लेके चले गए। राशि स्वीकृत होने के बाद बनाने के लिए सड़क को खोद कर डाला, अभी तक नहीं किया निर्माण, कीचड़ से बच्चे व बड़े हो रहे परेशान। स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर से लगाई बनवाने की गुहार। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 45 में आने वाली एक सड़क को नए निर्माण कार्य के लिए खोद कर डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिससे रास्ते में भारी दलदल और कीचड़ हो रहा है। इसकी वजह से तगावली स्कूल के छात्र छात्राओं सहित अन्य राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को स्कूली छात्र छात्रा कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर से खुद ही पड़ी सड़क को बनवाने की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व में विधायक कोटा से मुख्य बनखंडी रोड मन्नी बाबा के मकान से तगावली की ओर कमले हाउस तक रोड स्वीकृत हो चुकी है, जिसे माह अक्टूबर 2023 में जेसीबी से साफ सफाई करके छोड़ दिया गया है, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है, जिससे स्कूल आने जाने में भारी परेशानी होती है। बच्चों ने जिला कलेक्टर से सड़क को बनवाने की गुहार लगाई है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे 16 खम्मा गाँव से तगावली तक रोड का सेंक्शन हो गया था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है और 1 साल पहले उसको खोद के डाल गए हैं, और हमारे पार्षद जी बता रहे हैं कि इसका बजट पास हो गया है और ये बन भी गई है, पर ये वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, बच्चों परेशान हो रहे हैं आने जाने के लिए, स्कूल आने जाने के बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को साथ लेकर कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हैं और हम कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा ज्ञापन स्वीकार करें। यहाँ के लिए आइए तुम, सड़क गड्ढा है, सड़क में अच्छा पानी भर रहा है और जेसीबी खोद कर डाल गई है, ऐसे छोड़ कर गई है, नहीं निकलने के लिए गई है, तुम्हें क्या दिक्कत होती है? पूरे गिर पड़ते हम। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजू हब सीकर, सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला, RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजू हब सीकर, अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजू हब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारम्भ, स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर, हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड सीकर, मोबाइल नंबर 7891962111। अब नीट JEE फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा जयपुर सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा, एक बार डेमो क्लास जरूर लें। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर।
धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे। शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छारी ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इच्छिता शर्मा, हिमांशी पारसर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भरद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आईसी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, टेंथ का आएगा। शारदे विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा, नोट करो। इक्कीस बाईस जुलाई को बारिश की गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी, कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज शुक्रवार को तीव्र होकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो चुका है तथा वर्तमान में उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा आंध्र प्रदेश तट के ऊपर स्थित है। मानसून ट्रफ लाइन आज 19 जुलाई 2024 को भी अपने सामान्य से दक्षिण में स्थित है। उपरोक्त तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में 21-22 जुलाई 2024 को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन व बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। एसडीएम साधना शर्मा ने विद्युत कटौती को लेकर ली बैठक। सेपो क्षेत्र में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा काफी सख्त बनी हुई हैं। अघोषित विद्युत कटौती की समस्या को लेकर शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने सेपो उपखंड कार्यालय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान इलाके में न बिजली जाने का कोई समय निश्चित और न ही आने का पता को लेकर चर्चा की गई, जिस पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर शर्मा ने काफी नाराजगी जताई। उन्होंने मौजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों से सख्त तौर से कहा कि वह हर हालत में बिजली व्यवस्था को सुधारें। वह सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा स्थानीय अधिकारियों व पत्रकारों को अवगत कराएं कि किन किन इलाकों की लाइट गई है और कब तक उस इलाके में विद्युत बहाल होगी, ताकि अधिकारी आमजन को संतुष्टिपूर्ण जवाब दे सके। इस दौरान जेईएन शिवम बिश्नोई ने कहा कि इलाके में अधिकतर लोड सेटिंग के चलते एलटी मैसेज रहता है, जिसमें विद्युत कटौती की समस्या आ रही है। एलटी मैसेज के अलावा वह विद्युत व्यवस्था को सुधारने के पूरे प्रयास में है। वहीं एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने कहा कि एलटी मैसेज के अलावा शटडाउन के गैप को कम करने के लिए कस्बे में लोड क्षमता के मुताबिक विद्युत ट्रांसफार्मर रखें, ताकि बार बार जम्पर जलने की समस्या पैदा ना हो, जिसके लिए उन्होंने पर्याप्त क्षमता के मुताबिक ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के लिए विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को भी फोन कर अवगत कराया है। इस दौरान तहसीलदार राहुल धाकड़, कनिष्ठ अभियंता शिव ओम बिश्नोई, कोलारी जीएसएस के कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद सैफ, उपखंड कार्यालय से शिवकांत शर्मा मौजूद रहे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 21 जुलाई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, एमबीबीएस, एमएस, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 21 जुलाई दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद,
बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, नाक के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7091054227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। ₹15,000 के दो इनामी बदमाश उदयवीर और वीएस गिरफ्तार। हत्या के प्रयास के मामले में चल रहे थे फरार एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से की थी फायरिंग। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए ₹15,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों से पुलिस मामलों में पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों बदमाशों से अवैध हथियार भी जब्त किए हैं, उनके बारे में भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। दोनों बदमाश हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे थे। इन दोनों बदमाशों के फद्दी चौराहे से आगे जेल रोड धौलपुर पर एक व्यक्ति को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि पहली कार्रवाई में डीएसटी टीम के कांस्टेबल अश्वनी, हेड कांस्टेबल दीनदयाल और चालक कांस्टेबल वासुदेव के विशेष प्रयासों से 15,000 के इनामी बदमाश 25 वर्षीय उदयवीर पुत्र दीना गुर्जर निवासी तिघरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसने 5 मई 2024 को फद्दी चौराहे से आगे जेल रोड धौलपुर पर एक व्यक्ति पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। उसी मामले में घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ वनखंडी हनुमान मंदिर धौलपुर के पीहड़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे दर्ज आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई में धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने एक अन्य 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसने भी 5 मई 2024 को फद्दी चौराहे से आगे जेल रोड धौलपुर पर एक व्यक्ति को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि इनामी बदमाश 30 वर्षीय वीएस पुत्र दीना गुर्जर निवासी साहनपुर थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसे एएसआई जगदीश प्रसाद द्वारा पीजी कॉलेज के पीछे धौलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसे भी गिरफ्तार करने में डीएसटी टीम के कांस्टेबल अश्वनी, हेड कांस्टेबल दीनदयाल और कांस्टेबल वासुदेव चालक के विशेष प्रयासों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों इनामी बदमाशों से पुलिस दर्ज प्रकरणों में पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय जीव विज्ञान गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड कोठी धौलपुर, मोबाइल नंबर 9667067607। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास नर्सरी से 12वीं तक संकाय साइंस व मैथ्स, यहाँ है हरा भरा व सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट फैकल्टी, सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब एवं कंप्यूटर लैब, रिच लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम एवं नवोदय में चयन, ओलंपियाड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल NH 123 कुम्हेरी धौलपुर एवं विद्या स्मार्ट स्कूल शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर, क्लास प्ले ग्रुप से UKG तक एसी क्लासरूम, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, गुड टीचर स्टूडेंट रेसो, स्मार्ट क्लासेस आदि। निदेशक गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रोथ सेंटर रीको ओडेला रोड धौलपुर राजस्थान, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान।
हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही एंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक। आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित, निदेशक कल्याण शर्मा। संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल में सुनी परिवेदनाएं। संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने धौलपुर जिले के मरीना में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। उप तहसील कार्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा रात्रि चौपाल में पहुंचे तो ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास के लिए पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा आदि बुनियादी व्यवस्थाओं के संबंध में संभागीय आयुक्त को परिवाद प्रस्तुत किए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि अच्छी बात है कि गांव के लोग जागरूक हैं तथा सार्वजनिक एवं क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया है। चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निस्तारण की दिशा में कार्यवाही के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में हेडपंप संबंधी परिवेदना पर विकास अधिकारी को मौका देकर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में पीएम आवास में नए नाम जुड़वाने की परिवेदनाओं पर अवगत कराया कि जैसे ही पोर्टल पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती ही तो पात्र वंचित लोगों को लाभान्वित किया जा सकेगा। चौपाल में ग्रामीणों ने राशन संबंधी समस्याएं, पेयजल, विद्युत, सीसी सड़क, पीएम आवास, हैडपंप, नवीन सड़के बनाने आदि परिवेदनाओं को प्रस्तुत किया। इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार प्रस्ताव एवं तकमीना बनाकर भेजने की बात कही। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने हर परिवादी की समस्या को संवेदनशीलता पूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पालनहार योजना, एकल नारी पेंशन योजना, निःशक्त जन पेंशन योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, उपखंड अधिकारी राजखेड़ा, मनीषा मीणा सहित सभी विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। स्कूल गेट का तोड़ा ताला, सुपड़ा साफ किया सामान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट हनुमान मंदिर के पास स्थित निजी क्षेत्र के मॉडर्न हैप्पी स्कूल में चोरी की बड़ी वारदात का मामला सामने आया है। घटना में चोरों ने रात में स्कूल गेट के ताले को तोड़कर प्रवेश किया और विभिन्न कक्षाओं में लगे पंखों, प्लास्टिक के कूलर, बच्चों के बैठने की टेबल, स्टूल, फर्श और स्कूल में लगे एलईडी बल्बों के साथ अन्य सामान को पार किया है। शुक्रवार सुबह स्कूल संचालक को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दिन में स्कूल पहुंच मामले की जानकारी की है। पीड़ित स्कूल संचालक ने कोतवाली थाने में घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। बाड़ी शहर के गुमट हनुमान मंदिर शेरगंज के पास स्थित मॉडर्न हैप्पी माध्यमिक विद्यालय के संचालक मुकेश कुमार कटारा पुत्र कमल दत्त शर्मा ने बताया कि गुरुवार को वे स्कूल को बंद कर अपने घर गए थे। शुक्रवार सुबह जब स्कूल जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे पड़े थे। उन्होंने बताया कि मुख्य गेट का भी ताला टूटा पड़ा हुआ था। ऐसे में जब जानकारी की तो चोरी की घटना का पता लगा। चोरों द्वारा रात में स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में से 10 पंखों, लोहे की 8 टेबल, लोहे के 9 स्टूल, एक दर्जन फर्श, 10 एलईडी बल्ब, एक प्लास्टिक का बड़ा कूलर, एक दर्जन बिछाने की दरी पट्टी और स्कूल की पीतल की घंटी को भी चोरी किया गया। बताया जा रहा है कि चोर सामान को किसी वाहन में आराम से लाद कर ले गए हैं। बाड़ी शहर के गुमट शेरगंज कॉलोनी निवासी वार्ड 43 के पार्षद सुदामा कंसल ने बताया कि उनकी कॉलोनी में सभी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। ऐसे में अंधेरा रहता है और आए दिन वारदात होती है। स्कूल की घटना में चोरों का कोई पता नहीं लग सका क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वह भी बंद पड़े हैं। बाड़ी कोतवाली एसएचओ शिव लहरी मीणा ने बताया कि गुमट क्षेत्र में एक निजी स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस ने मौका निरीक्षण किया है। गुमट चौकी प्रभारी गोपाल सिंह को जांच सौंपी है। क्या मामला यह है कि मेरे वार्ड नंबर 43 का सुदामा पार्षद, उसमें क्या है कि आए दिन रोज घटनाएं होती है।
क्योंकि पूरे वार्ड में सभी लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और रात में लोग आते हैं, कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। इसमें जो कि मैंने नगर पालिका से कई बार रिक्वेस्ट किया है कि लाइट पूरी मेरे वार्ड की खराब पड़ी हुई है, रोज हादसे हो रहे हैं। आज रात को 11:30 बजे करीब लाइट नहीं थी, कैमरे थे उसमें, मतलब मॉडर्न एपी स्कूल में चोरी हो चुकी है, उसमें 8 पंखे और कुछ स्टूल कुर्सी पर्स वगैरह गायब हुए हैं। उसमें कैमरे में फोटो आ रहे हैं पर साफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाइट बिना। नगर पालिका से अनुरोध है कि ये लाइटों को जल्दी से जल्दी सही कराया जाए, इससे कि वह घटनाएँ कम हो जाए। लाइटों पर लग रही लाइट है, हाँ जी, नगर पालिका की लाइट लगी हुई है, इसमें ये भी लाइट खराब पड़ी हुई है, देखो सामने। आज रात के 12 बजे से करीब 10 पंखे और एक प्लास्टिक का कूलर और 8 टेबल और 9 स्टूल और 12 करीब फर्स और LED बल्ब 10 नाइट में कोई निकाल के ले गए स्कूल मॉडर्न एपी स्कूल पड़ी। सुबह आने पर विद्यालय खोला, देखने पर सुबह 7 बजे से करीब मालूम पड़ी कि विद्यालय खोलने पर पंखे सब कटे हुए तार मिले, तब देखा तो कोई पंखे वगैरह नहीं। इसको लेकर पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, उनके लिए पुलिस वालों को रिपोर्ट डाली हूँ। कैमरा में केवल पैर ही पैर थी, लाइट नाइट में लाइट नहीं रहती है, इसलिए। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार का। पिताजी का नाम? कमल दस्त। कहाँ के निवासी हो? पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश बादल, 3 साल से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने 2 कांस्टेबल की सूचना पर QIG टीम के सहयोग से पिछले 3 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश से कोतवाली थाने पर दर्ज मुकदमे को लेकर पूछताछ की जा रही है। सोने का गुर्जर थाना अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम पुलिस के कांस्टेबल हजारीलाल और गजेंद्र सिंह ने सूचना दी कि धौलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बाड़ी रोड पर इनामी बदमाश खड़ा हुआ है, जो कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना पर एडिशनल SP कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी CO नरेंद्र कुमार को मामले से अवगत कराते हुए दोनों अधिकारियों के सुपरविजन में थाने के कांस्टेबल हजारीलाल, गजेंद्र सिंह, सुबेदा, कोमल सिंह, धर्मेंद्र, रवि पाठक, सुनील कुमार, अशोक कुमार, रामनाथ और गाड़ी चालक देवेंद्र के साथ QIG टीम को साथ में बाड़ी रोड पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचकर बताए गए हुलिये के अनुसार बदमाश को देखा तो बदमाश पुलिस को देखते ही भागने लगा, जिसको पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्त में ले लिया है। सोने का गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आया बदमाश करुआ उर्फ बादल उर्फ रिंकू पुत्र रामविलास गुर्जर निवासी सहानपुर थाना सदर धौलपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कोतवाली धौलपुर थाने पर मुकदमा दर्ज है, जो पिछले 3 वर्ष से फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी पर SP धौलपुर द्वारा अभी 16 जुलाई 2024 को 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। अब गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, साथ में मामले की जानकारी कोतवाली थाना धौलपुर को भेजी गई है। धौलपुर कोतवाली में 2021 का एक मुकदमा था, जिसमें करुआ उर्फ रिंकू वांछित था। इसमें धौलपुर पुलिस की तरफ से सामने 15,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कल पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के पास उसकी सूचना मिली थी, जिस पर DSP टीम और सोनिका गुर्जा SHO की टीम ने सीन की पूछे तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद करुआ को वहाँ से दस्तियाब किया गया है, कोतवाली थाने में दस्तियाब कर दिए, टेस्ट किया, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। कल की जैसी करवाया जाए। ADJ रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ADJ रधौलपुर रेखा यादव ने पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए मौजूद स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं की विधिक सहायता एवं उनकी सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12, are open now, limited seats only. You can enroll your child for a better future. हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पहचान पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 के परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूलाराम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। पिता को बुलाने की बात पर छात्र ने टीचर पर किया हमला। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरोली स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेलापुरा में एक छात्र ने टीचर पर हमला कर दिया। स्कूल में मौजूद दूसरे छात्रों की मदद से टीचर को बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही छात्र भाग निकला। घटना को लेकर पीड़ित टीचर सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि स्कूल के 10वीं कक्षा का एक छात्र नए सत्र में शुक्रवार को पहली बार स्कूल पहुंचा था, जिसको लेकर टीचर ने छात्र से अपने पिता को स्कूल लाने की बात कही। पिता को स्कूल में लाने की बात से नाराज होकर छात्र टीचर को धमकी देकर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद नाराज छात्र अपने भाई और एक साथी को लेकर स्कूल पहुंच गया, जहां उसने अवैध देसी कट्टा लहराते हुए धारदार लोहे के हथियार से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान क्लास में पढ़ रहे दूसरे छात्रों ने टीचर को बचाकर आरोपी छात्र और उसके साथियों को क्लास से बाहर कर दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद आरोपी छात्र और उसके साथ आए दो लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल गणेश रावत ने पुलिस को सूचना दे दी। स्कूल में छात्र द्वारा हंगामा करने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी छात्र टीचर और स्टाफ को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। घटना को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेलापुरा में कार्यरत हूं। आज सुबह में कक्षा 10 का अध्यापन कार्य करा रहा था।
उसी समय कक्षा 10 में पढ़ने वाला छात्र अंकित सनो वीरेंद्र उसका भाई और ये उसके एक और साथी थे, वो आए और सबसे पहले तो वीरेंद्र वो अंकित आया था और उसे वो आज पहली बार पढ़ने आया था। तो मैंने कहा भाई पहली बार पढ़ने आए हो तो अपने पिताजी को लेकर के आओ, मैंने कहा आज 19 दिन हो गए और बोर्ड की क्लास है, आपकी हाजिरी शॉर्ट हो जाएंगी। बोला कि पिताजी को नहीं लेके आ रहा हूँ, तो मैंने आपका फिर नाम कट जाएगा। मुझसे बोला कि गाली दे करके मुझसे चला गया और उसके बाद में इसकी सूचना मैंने प्रिंसिपल साहब को दी कि साहब मुझसे ऐसे छात्र गाली दे के चला गया है। प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है दिखवाते हैं कर। उसके बाद में तुरंत वो मोटरसाइकिल से खुद और अपने छोटे भाई को और एक और अपने रिश्तेदार को लेकर के आ गया और आकर के सीधा उसने एक धारदार हथियार लेके आया था तलवार जैसा, उसने आकर के उसके भाई ने सबसे पहले मुझमें उससे वार किया और उसके पश्चात उसने कट्टे से मतलब कट्टे को मतलब भर करके जैसे ही मेरी तरफ कट्टा किया तब तक मतलब मैं चिल्लाया तो बच्चों ने गेट बंद कर दिया और गेट बंद करने की वजह से फिर वो बार बार मतलब उससे बार करते रहे किवाड़ों पर और फिर वो मुझे धमकी दे करके कट्टे को लहराते हुए और चले गए। समस्या का नहीं हुआ समाधान तो धरने पर बैठूंगा, पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा। वार्ड नंबर 7 की कॉलोनियों में जल भराव की समस्या से हैं परेशान लोग। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 7 की समस्याओं के समाधान के लिए पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा ने संभागीय आयुक्त को शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसकी सूचना विभिन्न पत्रों द्वारा पहले भी दी जा चुकी है। इसके बाद भी नगर परिषद द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। पार्षद ने बताया कि हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले दिए हुए पत्र पर मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी कोई कार्य नहीं किया गया। आज स्थिति यह बन गई है कि लगातार वर्षा के कारण वार्ड नंबर 7 की सभी कॉलोनी में सड़कों पर पानी का स्तर इतना है कि किसी का आवागमन तक नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा वार्ड में निवास कर रहे विद्यार्थी भी विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस जलभराव की स्थिति को ठीक नहीं किया गया तो अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वार्ड पार्षद ने समस्या समाधान की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि समस्या पर कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई तो अपने सहयोगियों के साथ अनिश्चितकाल तक धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। डिस्कॉम के खिलाफ कॉलोनी वासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। टूट गया था बिजली का तार, सही करने नहीं पहुंचे कर्मचारी तो आक्रोशित हो गए लोग, शिकायत करते हुए SDM को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की व्यास कॉलोनी और अग्रसेन कॉलोनी के 2 दर्जन से अधिक नागरिकों ने महिला और बच्चों सहित विरोध प्रदर्शन करते हुए डिस्कॉम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जब डिस्कॉम से कोई कर्मचारी टूटे हुए तार को सही करने मौके पर नहीं पहुंचा तो कॉलोनी के ये आक्रोशित लोग बाड़ी SDM कार्यालय पहुंचे, जहां SDM राधेश्याम मीणा को डिस्कॉम की लापरवाही से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग की। व्यास कॉलोनी निवासी रवि वैश्य, तरुण कुमार शर्मा, आशीष अग्रवाल, राजकुमार सिंह आदि ने बताया कि उनकी कॉलोनी बसेड़ी रोड को जाने वाले बाईपास के साइड में स्थित है। इस कॉलोनी से जुड़े अग्रसेन बिहार क्षेत्र में शहर के आधा दर्जन निजी स्कूल हैं, जहां शहर के अधिकांश बच्चे पढ़ने आते हैं। स्थिति यह है कि डॉक्टर विमलेश के नर्सिंग होम के बगल में जो गली है उसमें बिजली के तार इतने नीचे आ गए हैं कि कोई भी बुजुर्ग या स्कूली छात्र उनसे चिपक सकता है। मामले को लेकर कई दिनों से विद्युत विभाग के विभिन्न अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया लेकिन मौके पर जाकर भी शिकायत की है लेकिन कोई सुधार नहीं। शुक्रवार सुबह 11 बजे बिजली का तार टूटा तो घंटों उसे कोई सही करने तक नहीं आया। इसी बात को लेकर नागरिकों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने मौके पर डिस्कॉम के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया। साथ में बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलोनी के झूलते तारों से निजात दिलाने और बिजली लोड के हिसाब से 2 अलग अलग फीडर बनाकर ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। मामले को लेकर SDM राधेश्याम मीणा ने बताया कि जैसे ही नागरिकों ने उन्हें शिकायत की डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत कराया और कॉलोनी में लाइनों को दुरुस्त करने के साथ अन्य समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम के JEN विजेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर टीम भेजकर तारों को दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, ट्रांसफार्मर और लोड को लेकर भी 1-2 दिन में सुधार किया जाएगा। अधवल जी बताएं क्या मामला? मामला ये है कि 15 दिन हो गए कोई भी लाइट की कार्रवाई नहीं है। AENJEE साहब सबको कॉल कर लिया, देखो बिल्कुल तार लटक रहे हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, टच हो सकते हैं, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। JEN साहब को कॉल किया, AEN साहब को किया, बोले गाड़ी वहीं भेजा लगा देंगे परमानेंट, कोई भी सुनवाई नहीं है। 15 दिन से लाइट से बहुत परेशान हो रहे हैं।
सारे स्कूलों के बच्चे जाते हैं, किड्स स्कूल है यहाँ पे, सनसन स्कूल है और केला देवी स्कूल है, सारे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, कोई साइकिल से कोई पैदल, तो बहुत बड़ी समस्या है ये है। और रवि जी बताएं क्या मामला है? मैं ये कह रहा हूँ, हम धार कॉलोनी के पास ही है और यहाँ स्थिति इस कदर खराब है कि कम से कम 5-6 दिन से मतलब जगह लाइट नहीं आ रही है और सारे तार लटके हुए हैं। अभी इसमें ये डॉक्टर गुंडेश वाली गली में ये देख रहे हैं, ये तार लटके हुए हैं और अगर कोई बच्चा या कोई भी जान माल की हानि हो सकती है, इसमें बिल्कुल नीचे लटक रहा है, जमीन से ज़्यादा ज़्यादा 4 फीट ऊपर है और अगर किसी का हाथ लग गया तो बहुत बड़ा हादसा होना होने का डर है। और ईएन के कोई संतोषजनक जवाब नहीं रहती है और हालत बहुत गंभीर है और कृपया इस पर मतलब ये शासन प्रशासन के पूरी तरह से कहते हैं कि इसको मतलब ये ध्यान दिया जाए इस पर और ये बिजली व्यवस्था है दुरुस्त की जाए। विप्र सेना का हवन व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित। विप्र सेना स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत दूसरे दिन हवन कार्यक्रम का आयोजन हनुमान रामचंद्र मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विप्र सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एडिशनल SP सुरेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता JBVNL धौलपुर राकेश वर्मा रहे। मुख्य आचार्य राजकुमार शर्मा ने विधिवत हवन कार्यक्रम व पूजा अर्चना करवाई। मुख्य अतिथि व सभी पदाधिकारियों ने विश्व कल्याण भाईचारा इसी प्रकार बना रहे ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की। नवीन कार्यकारिणी व पदाधिकारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे। जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा ने बताया कि भविष्य में विप्र सेना संगठन सामाजिक कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों व पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर जिला महामंत्री सचिन रावत, संयोजक सुनील जगरिया, पूरन चंद बोहरा, अनुराग मुदगल, पूर्व सरपंच बनवारी लाल शर्मा सरानी, प्रमोद शर्मा, प्रमोद पचोरी, राहुल शुक्ला, प्रतीक रावत, रिंकू रावत, हरिओम पचोरी, श्याम बाबू आदि मौजूद रहे। संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित, संकाय साइंस कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर सदर थाने के पास GT रोड धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागल सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला वांटेड आरोपी गिरफ्तार, रोडवेज कर्मी के साथ भी की थी मारपीट। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और रोडवेज कर्मी के साथ मारपीट कर बस में तोड़फोड़ करने वाले एक आरोपी को धौलपुर शहर की कोतवाली थाना ने गिरफ्तार किया है, जिससे दोनों मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्त में आया आरोपी नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में करीब 1 साल से फरार, स्थायी वारंटी है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी 24 वर्षीय रवि कुमार पुत्र बंटी गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला पुरानी छावनी थाना सदर धौलपुर हाल निवास मसूदपुर थाना सरायछोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिसने 18 अप्रैल 2020 को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की थी। उस मामले में आरोपी रवि कुमार करीब 1 साल से फरार चल रहा था, जो स्थायी वारंटी भी है। थाना प्रभारी रावत ने बताया कि इसके अलावा आरोपी रवि कुमार ने 3 अप्रैल 2024 को
पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग धौलपुर पर रोडवेज कर्मी के साथ मारपीट की और रोडवेज बस में तोड़फोड़ भी की थी। उसके बाद से भी यह फरार चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। अब दोनों मामलों में पुलिस इससे गहनता से पूछताछ कर रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी प्रवीण रावत के साथ ASI सुरेश चंद, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और राम अवतार, कांस्टेबल बीरबल, सुवर सिंह, प्रमोद कुमार शामिल रहे। डकारा गरीबों का राशन, डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसई घियाराम के राशन डीलर मजनू के खिलाफ गरीबों के राशन को गमन करने के आरोप में विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। स्थानीय ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद बसई घियाराम के राशन डीलर मजनू पुत्र राम खिलाड़ी को जांच में राशन का गमन करने के आरोपों के विरुद्ध रसद विभाग द्वारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि बसई घियाराम का डीलर मजनू द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। जांच के दौरान मौके पर मिले 62 उपभोक्ताओं ने राशन डीलर द्वारा जून महीने में EKYC के नाम पर पॉस मशीन पर अंगूठा निशानी लगवा कर राशन सामग्री वितरित नहीं की गई थी। वहीं गांव गड़ी जाफर में उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर द्वारा वितरण केंद्र स्थापित कर राशन वितरण नहीं किया गया। बसई घियाराम में मौजूद उपभोक्ताओं ने राशन डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार करना, स्वयं वितरण एवं EKYC नहीं कर अन्य के द्वारा करवाना बताया। जांच के दौरान बसई घियाराम के दगरा में कुल 14 उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर राशन डीलर द्वारा मई माह में पॉस मशीन पर अंगूठा निशानी लगवाकर पर्ची देना और राशन सामग्री को वितरण नहीं किया गया, जबकि गांव बसई घियाराम में स्थित उचित मूल्य की दुकान जांच में बंद पाई गई। जब उपभोक्ताओं के बयानों का विभागीय पोर्टल से मिलान करने पर मजनू द्वारा उपभोक्ताओं के पॉस मशीन पर अंगूठा निशानी लगाने के बावजूद राशन सामग्री वितरण नहीं कर मई महीने में कुल 350 किलोग्राम गेहूं एवं जून महीने में 1370 किलोग्राम गेहूं का दुरुपयोग किया जाना पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए विभाग ने जांच के आदेश सहित मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं इस मामले को लेकर जिला रसद अधिकारी राहुल जादौन ने बताया कि बसई घियाराम डीलर मजनू ने पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया था, जिसकी जांच टीम द्वारा रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करवा कर आगे विभागीय कार्रवाई की जा रही है। निशुल्क चिकित्सा शिविर में 322 मरीजों ने लिया लाभ। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा में शुक्रवार को सर छोटू राम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर की ओर से लगाए गए निशुल्क चिकित्सा शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लाभ उठाया। जयपुर से पहुंची चिकित्सा टीम के डॉक्टर अजय सिंह शेखावत, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर NS चौहान, डॉक्टर अनूप शर्मा, डॉक्टर हितेश कुमार द्वारा निशुल्क शिविर के दौरान करीब 322 मरीजों को रजिस्ट्रेशन के बाद शुगर BP आदि की जांच करते हुए उनको निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। बसई नवाब कस्बा निवासी हरिओम रावत और रमाकांत रावत के विशेष सहयोग से इस निशुल्क शिविर का आयोजन हुआ। उन्होंने अपनी मां के घुटनों की सर्जरी के बाद सर छोटू राम हॉस्पिटल जयपुर की बेहतर व्यवस्थाओं को देखते हुए क्षेत्र के लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन कराया गया है। इस दौरान आयोजित शिविर का ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसमें पहुंचे लोगों ने हड्डी रोग, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जन, फिजिशियन आदि डॉक्टरों की टीम का लाभ उठाया है। शिविर के दौरान डॉक्टरों की टीम में जयपुर से आए वेंकटेश, सतीश शर्मा, भरत सिंह, मनीष, सुरेश सहित दीपक गुथेनिया, हरिओम रावत, रमाकांत रावत, जगदीश, सविता, सुंदर सिंह, नवाब त्यागी, रमा शंकर शर्मा ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। संभागीय आयुक्त ने विभिन्न संस्थाओं का किया औचक निरीक्षण। संभागीय आयुक्त ने धौलपुर प्रवास के दूसरे दिन विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य संस्थाओं एवं विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पुरानी छावनी का औचक निरीक्षण किया, जहां पोषाहार वितरण एवं बच्चों के अधिगमन स्तर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी पात्र महिलाओं को नियमित सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने एवं सभी प्रकार के वितरणों का नियमित इंद्राज रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र विशौदा, सुनीपुर एवं बिजोली का निरीक्षण कर पोषाहार वितरण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति
रजिस्टर का भी जायजा लिया। इस मौके पर डीडी आईसीडीएस भूपेश गर्ग साथ रहे। संभागीय आयुक्त ने मॉडल उप स्वास्थ्य केंद्र बिजौली का औचक निरीक्षण किया, जहां केंद्र पर दी जा रही दवाइयों एवं चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने राजकीय विद्यालय बिजौली का औचक निरीक्षण किया, जहां पढ़ रहे छात्रों के कुल नामांकन एवं उपस्थिति पर जानकारी ली तथा विद्यालय के छात्रों से दूध वितरण एवं मिड डे मील के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कार्मिकों के उपस्थिति रजिस्टर का भी मुआयना किया। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनीपुर एवं बरौली का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय छात्रों से अधिक पौधरोपण कराए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बिजौली गौशाला के पास मनरेगा के तहत चल रहे पौधरोपण कार्य का भी निरीक्षण किया। मेटको कार्य का मूल्यांकन समय करने तथा कार्य का प्रतिदिन के हिसाब से लक्ष्य बनाकर लिखित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बरौली में चल रहे कैटल सेड कार्य का भी औचक निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने मरेना स्थित अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण का निरीक्षण किया, जहां रसोई की पाकशाला, भंडार घर, टोकन काउंटर, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करने एवं प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित मापदंड के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालकों को निर्देश दिए। अन्नपूर्णा रसोई आंगई का भी औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने रसोई संचालक को साफ सफाई रखने तथा भोजन में मिलेट यानी मोटे अनाज के प्रयोग के लिए निर्देश दिए। सुरक्षा सावधानियों के प्रति जागरूक कर रही रेलवे की वीडियो मोबाइल वैन। अंतर्राष्ट्रीय रेल संपार जागरूकता दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे ने प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों के साथ संपारों के बारे में संरक्षा जागरूकता प्रसारित करने के लिए एक मोबाइल वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय से रवाना किया। वैन की पूरी यात्रा के दौरान उत्तर मध्य रेलवे के सेफ्टी काउंसलर साथ रहेंगे और विषय की बेहतर समझ प्रसारित करने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच पैम्फलेट, पोस्टर और स्टिकर वितरित करेंगे। शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में संरक्षा जागरूकता मोबाइल वीडियो वैन ने धौलपुर जंक्शन, आगरा छावनी रेलखंड के धौलपुर स्टेशन, मनिया, जाजऊ, भांडई व विभिन्न संपार फाटकों सहित ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाई गई। यह संरक्षा जागरूकता वैन अपने 45 दिनों के अभियान के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं को संपार संबंधी सुरक्षा सावधानियों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के 3 मंडलों में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को कवर कर रही है। इसके साथ ही टीवी और ऑडियो विजुअल सिस्टम वाली है मोबाइल वैन स्कूलों, लेवल क्रॉसिंगों, गांवों, पंचायतों, तहसीलों, आसपास के बाजारों आदि को कवर कर रही है। वैन में जागरूकता प्रसारण के लिए कई लघु फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें लेवल क्रॉसिंगों को सावधानी से कैसे पास करें, ट्रैक पर मवेशियों को ना ले जाने, ट्रेन की छत और फुटबोर्ड पर यात्रा ना करें, यात्रा के दौरान कभी भी अजनबी से खाने पीने की चीजें स्वीकार नहीं करना, ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जाना आदि विषयों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए छात्राओं को किया जागरूक। एसीबी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एसीबी धौलपुर द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जागरूक किया गया। धौलपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा एसीबी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरूकता अभियान के तहत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पालना सुनिश्चित कराए जाने के लिए एसीबी धौलपुर द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर में उपस्थित सभी छात्राओं एवं फैकल्टी को भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही एसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में भी छात्राओं को समझाया गया। उन्होंने बताया कि सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति की पालना कराए जाने के लिए उपस्थित सभी को रिश्वत नहीं लेने एवं रिश्वत नहीं देने के संबंध में शपथ दिलाई एवं जागरूक किया गया। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।